मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। और प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट हमारा है, मन के भोले भाले बादल, आज जो ये कविता है इसको हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ और आप ध्यान से सुने इसको। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह, शेरों से बतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। अब हम इसका भावार्थ समझाएंगे कि यहाँ पर जो कवि कह रहा है, कल्पनाथ सिंह जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोगों को। झब्बर झब्बर बालों वाले, जिस प्रकार से झब्बर झब्बर मतलब बड़े बड़े बालों वाले क्या हैं, कौन ये बादल हैं और किस प्रकार हैं, गाल कैसे हैं इनके, गुब्बारे। जैसे गुब्बारे फूंक मारने पर क्या होता है, गुब्बारे बड़े बड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार जो ये बादल हैं ये कैसे हैं, इनके गाल गुब्बारों के जैसे हैं। और लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, और ये कहां आपस में दौड़ते रहते हैं, आसमान में। किस प्रकार, झूम झूम कर, जैसे कोई मस्ती में इधर से उधर जो ये काले बादल हैं घूमते रहते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, अच्छा आपने जोकर देखा होगा, जिसकी तोंद बड़ी सी होती है और वो कैसे होते हैं, फूली हुई होती है, उसी प्रकार से। और कुछ कुछ बादल तो ये हो गए, और कुछ बादल जो हैं हाथी से सूंड, हाथी का सूंड देखा होगा आपने, वो सूंड उठाए हुए घूमते रहते हैं। और कुछ ऊंट, ऊंट की कूबड़ देखी होगी तुमने, ऊंट की कूबड़ की तरह है। और कुछ परी, परी देखी होगी, परी के पंखों वाले सुनहरे बादल है ये। आपस में टकराते रह, शेरों से मतवाले बादल, और किस प्रकार आपस में ये बादल जो क्या करते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, और कैसे, शेरों से मतवाले। जिस प्रकार जो जंगल का जानवर जो शेर है वो मतवाले अपने मस्ती में चलता रहता है। फिर कुछ तो लगते हैं तूफानी, तूफान देखा होगा, जब तूफान तेज चलता है तो किस प्रकार का होता है, कई नुकसान करता है, उसी प्रकार से ये जो कुछ बादल जो है तूफान की तरह तेज गति में चलते रहते हैं। और कुछ रह रहकर धीरे धीरे करके क्या करते हैं, शैतानी करते रहते हैं। और कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, कुछ बादल जो हैं थैलों में, अपने थैले में जैसे क्या करते हैं, वो पानी समेटे हुए हैं, और उस पानी को क्या करते हैं, वो चुपके से हमारे ऊपर बाहर गिरा देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, और ये जो बादल है ये किसी की कुछ नहीं सुनते हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं और ना ही ये सुनते हैं। ढोलक ढोल बजाते बादल, और किस प्रकार चलते हैं, जिस प्रकार से कोई मनुष्य क्या होता है, खुशी में हो ढोलक को और या ढोल को बजाते हुए चलते रहते हैं, उसी प्रकार से जो है ये बादल क्या करते हैं, ढोल और ढोलक बजाते हुए आसमान में चलते रहते हैं। आगे देखिए, रह कर छत पर आ जाते, और कभी कभी जो ये बादल हैं क्या करते हैं, धीरे धीरे करके कहाँ आ जाते हैं, हमारी छतों के ऊपर आ जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते हैं, और फिर चुपचाप करके क्या करते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके, और कभी कभी ये क्या करते हैं, जिद्दी गुस्से में क्या कर देते हैं, बाढ़ नदी नालों में लाते।
जब ये जिद्दी बन जाते हैं तो क्या करते हैं, जो ये नदी नाले जितने भी हैं वहां क्या कर देते हैं, बाढ़ को लाते हैं, बहुत सारा पानी बरसाते हैं, जिससे क्या होता है बाढ़ आ जाती है और जिससे अपार जनधन की हानि होती है। फिर भी लगते बहुत वाले हैं, मन के भोले भाले बादल, फिर भी क्या करते हैं, ये लगते तो बहुत भले अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं और मन के क्या होते हैं, ये भोले भाले बादल होते हैं। और पता है ये कविता किसने लिखी है, कल्पनाथ सेहो ने लिखी है। थैंक यू।